नमस्कार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून से 22 जून तक खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यह पहला मुकाबला है और यह मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर दोनों ही टीमों से बड़े बड़े अपडेट्स और न्यूज आ रहे हैं, जिसे हम आपके लिए इस वीडियो में कवर करेंगे। यह हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपडेट सीरीज का 8वां पार्ट है। इसके साथ ही इसके पहले वाले अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर 5 अपडेट्स आपको बताएंगे, जो यदि आप क्रिकेट के बहुत ही बड़े वाले फैन हैं और इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों, आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कुछ ही घंटों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और विराट कोहली ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है, इसके साथ ही एक फोटो भी पोस्ट किया है जो आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर पूरी टीम इंडिया एक साथ है। विराट कोहली ने कहा है कि वह पूरी कॉन्फिडेंट है कि वह जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम 5 दिनों के अंतराल में डिसाइड नहीं किया जा सकता है। वह हार भी जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार टीम है। वह अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं और इसे एक नॉर्मल टेस्ट के जैसा ट्रीट करने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने केन विलियमसन के बारे में कहा कि वह अच्छे दोस्त हैं पर मैदान पर ओपोनेंट हैं और न्यूजीलैंड की टीम कोई कमजोर टीम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि केन विलियमसन ने खुद की फिटनेस की अपडेट दी और कहा कि वह खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने अभी तक अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा नहीं की है, जो कुछ समय के बाद वह करेंगे। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें कि आखिरकार बीसीसीआई ने भारत की कंफर्म प्लेइंग 11 जारी कर दी है और यह कंफर्म प्लेइंग 11 हमने आपको लगभग 1.5 महीना पहले ही बता दिया था और वह हमारा प्रेडिक्शन था। और यह रहेगी आज के मैच की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा। इस तरह की टीम आप भी आज बना सकते हैं और करोड़ों रुपए जीत सकते हैं और यह मुमकिन है। माई 11 सर्कल ऐप पर आपको क्रिकेट के मैचों के 2 टीमों में से आप 11 बेहतरीन खिलाड़ियों की एक यूनिक फैंटेसी टीम बनाते हैं और उस टीम से आप पैसे जीत सकते हैं। माई 11 सर्कल में आप चैंपियन क्रिकेटर्स जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे, शेन वॉटसन और राशिद खान के साथ खेल सकते हैं। भारत का मुकाबला होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में और भारतीय टीम तो जीतेंगे ही, लेकिन आपका क्या? आप भी माई 11 सर्कल पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलकर बड़े प्राइज जीत सकते हैं, जैसे कि आईफोन और कैश प्राइजेस और भी बहुत कुछ। बहुत ही आसान है खेलना, क्रिकेट का स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करना है। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी इस ऐप को डाउनलोड करने पर शुरुआत में खेलने के लिए आपको 1500 रुपए वेलकम बोनस मिलते हैं और क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं इसलिए आप इस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करने से आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश बैक भी मिलेगा अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर। और आपको यकीन नहीं है तो आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी इस ऐप को कमेंट और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाएं। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, यह एक बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो फ्री में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखना चाहते हैं। खबर आ रही है कि डीडी स्पोर्ट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 5 दिनों तक फ्री में टेलीकास्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको हमने कल ही बताया था। और इसके साथ ही आप ऑल इंडिया रेडियो पर कमेंट्री भी सुन सकते हैं फ्री में। यह फैसला लिया गया प्रसार भारती के CEO के द्वारा, जिन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट करके दिया है। तो डीडी स्पोर्ट्स चैनल 1 जो है उस पर आप देख सकते हैं और मोबाइल पर आप इसे हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। 3 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा, देखना ना भूलें। और कुछ लोग मुझसे यह पूछ रहे थे कि कितनी देर यह मुकाबला चलेगा, तो आपको बता दें टेस्ट मैच 1 दिन में 6 घंटा खेला जाता है। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है आज होने वाले मुकाबले के मौसम के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि आज के मुकाबले पर खतरे की घंटी लटक रही है, क्योंकि मैदान के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि 70-80% चांस है बारिश होने का। और हमने आपको बताया ही था कि मॉन्टी पनेसर ने 18-23 जून का वेदर फोरकास्ट भी शेयर किया था, तो बारिश होने की बहुत ज्यादा चांस है। और यदि बारिश होता है और मैच रद्द हो जाता है तो फिर दोनों ही टीमें ज्वाइंट विजेता रहेंगे और जो प्राइज मनी है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। दोनों टीमों को 8-8 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि कम से कम यह 5-6 दिन मैच में बारिश ना हो। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है सौरभ गांगुली की तरफ से। सौरभ गांगुली ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि भारतीय टीम जरूर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। उनकी टीम बहुत ही बैलेंस्ड है। भारतीय टीम की क्या क्षमता है वह हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुए थे उसमें देखा था। सारे खिलाड़ी क्वालिटी खिलाड़ी हैं। हालांकि सौरभ गांगुली आईपीएल की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखने के लिए नहीं जाएंगे इंग्लैंड, और उन्होंने भारतीय टीम को बेस्ट ऑफ लक कहा है। इसके साथ ही दोस्तों, हमने आपको माई 11 सर्कल ऐप के बारे में बताया। 1500 रुपए कैश पाने का मौका ना छोड़ें। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को अभी डाउनलोड करें और एक्स्ट्रा कैश बैक भी पाएं। ये थे हमारे आज के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर बड़े अपडेट्स और ऐसे वीडियोस आपके लिए हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।